बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स इन न्यूज बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये सब डाइजेस्ट करना है और सबकी तैयारी करनी है हमें नौ बजे से पहले मुनाफे की तैयारी में तो आज खबरों के लिए हर्षदा का बर्डन थोड़ा रिड्यूस करा है बनने चलिए बढ़िया है तो हर्षदा के साथ साथ आपको स्टूडियो में इस समय हमारे सहयोगी निमेश नजर आए यार इट्स अ बिग शू टू फिल <laughs> और अच्छा कई सारी खबरों में एक इंटरेस्टिंग कोटक कोटक तो हमने अपफ्रंट चर्चा करी उसकी डिटेल में आगे और बातचीत करेंगे एक अपडेट आ रहा था गोदरेज ग्रुप के फैमिली सेटलमेंट का सवा सौ सालों से ज्यादा पुराना ग्रुप और बहुत ब्यूटीफुली मैंने क्योंकि इंडस्ट्री कई लोगों के ट्वीट आते हुए देखे

कभी ऐसा हुआ एक सिर्फ एक ज्योमेट्रिक सॉफ्टवेयर हुआ करता था उसको छोड़ दें तो अदरवाइज किसी ग्रुप कंपनी में आपका पैसा गया नहीं बनाइए पैसा आपका वो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी और वो हमेशा शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट

किन किन स्टॉक्स पर इस सेटलमेंट की वजह से नजर रखनी है और क्यों तो इतने सारे स्टॉक्स हैं फोकस फोकस में में क्या क्या रखें बेसिकली जि जितना मैंने पढ़ा है और जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स आया है तीन स्टॉक्स मेरे हिसाब से फोकस में रहेगा पहला स्टॉक है गोदरेज इंडस्ट्रीज हुँ. जो अभी एनी वे एडी ग्रुप का है जो अभी जो फैक्शन हुआ है ये एडीगोदरेज ग्रुप के साथ रहेगा ना गोदरेज इंडस्ट्रीज हमेशा से होल्डिंग कंपनी रहा है फॉर द गोदरेज ग्रुप अब इसमें कुछ क्रॉस होल्डिंग शायद ट्रांजेक्शन होंगे बट क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक फोकस में रहेगा एक तो होल्डिंग कंपनी है अगर आप होल्डिंग कंपनी उसका पूरा डिटेल्स देखोगे अभी भी वो होल्ड वो फिफ्टी फोर परसेंट डिस्काउंट पर ट्रेड करता है वट आई मीन बाई फिफ्टी फोर परसेंट आज गोदेज इंडस्ट्रीज का मार्केट क्या बत्तीस हजार करोड़ के, के आसपास का है और जो होल्डिंग्स है ग्रुप कंपनीज़ में उसका वैल्यू आज के आज का रेट में सिक्सी एट थाउजेंड करोड़ के आसपास का है ओके okay, सो so ये ये एक मेन uh, रीज़न है कि गोदरेज इंडस्ट्रीज इसमें रहेगा दूसरा जो लोग स्ट्रीट में आंटिसिपेट भी कर रहे हैं अब ये जो ऊपर के लेवल पर फैमिली सेटलमेंट हो गया है आगे चल के इवन गोदेज इंडस्ट्रीज में एंटिसिपेशन है लोगों का कि इसमें भी यू नो सेटलमेंट होगा जो विद इन आदि गोदरेज ग्रुप में जो अभी क्रॉस होल्डिंग हट जाएंगे जैसे अभी जीसी गोदेज प्रॉपर्टीज है वो फिरोशा देखता है जीसी सी पी है वो उनके डॉटर देखती है तो अब उसमें भी जो उनको जो स्प्लिट करना है वो एम्लीकेबली सेटल हो जाएगा तो वो एक बड़ा एंटिसिपेशन है अगर वो होता है तो आगे चल के तुम्हारा होल्डिंग कंपनी जो डिस्काउंट है वो कोलेप्स हो जाएगा तो ये एक तीन रीजन है कि गोदरेज इंडस्ट्रीज को ध्यान रखना चाहिए दैट्स अ फर्स्ट स्टॉक सेकंड स्टॉक जो ध्यान रखना है दैट इज एस्टेक लाइफ ना जितने भी ग्रुप कंपनीज है उसमें ये एक ही स्टॉक है जिसमें ओपन ऑफ ए ट्रिगर हो रहा है और ये ओपन ऑफ अ ट्रिगर होने का एक ही रीजन है कि आदि गोदरेज ग्रुप के जो गोदरेज एग्रोवेट है जो अभी आदि गोदरेज ग्रुप के पास रहेगा yeah. उनका ऑलरेडी सिक्सटी फोर परसेंट स्टेक है और बिकॉज जो दूसरे फैक्शन थे दे वेर नॉट क्लासिफाइड एज प्रोमोटर्स और वो पब्लिक शेयर होल्डर थे और उनका स्टेक अभी ये ये ग्रुप ले लेगा इसके लिए एक मैंडेटरी ओपन ऑफर करना पड़ रहा है भाव अभी ओपन uh, ऑफर का प्राइस कुछ थाउजेंड सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन का है बट प्राइस अभी ऊपर का है मैं uh, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था म्यूचुअल फंड के पास सेवन परसेंट स्टेक है अच्छा इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगा ऑलरेडी गोदरेज एग्रोवेट के पास सिक्सटी फोर परसेंट है अगर पूरा चौबीस टका आ जाता है तो, तो होल्डिंग विल क्रॉस सेवेंटी फाइव परसेंट देन या तो डिलीज करना पड़ेगा या तो ऊपर का शेयर को वापस बेचना पड़ेगा तो एक ये एक स्टॉक डेफिनेटली आज फोकस में रहेगा दैट इज़ एस्टिक लाइफ एंड तीसरा है गोदरेज प्रॉपर्टीज अगेन नो इंटरेस्टिंग चीज़ है आज सी ने एक बहुत अच्छा रिपोर्ट लिखा है उनका सेल रेटिंग है बट ऑन वैल्युएशन बट जो ये ये जो सेटलमेंट आया है उसमें बहुत क्लियरली बोला गया है कि अभी जो गोदरेज विक्रोली की जो लैंड है वो गोदरेज एंड बॉयज दूसरी कंपनी है उनके पास रहेगी जी के पास खाली डेवलपमेंट राइट्स रहेंगे बहुत लोगों का एंटिसिपेशन था बिकॉज इज सच अ लार्ज लैंड कुछ स्टेक इनको भी आ सकता है अब वो नहीं आ रहा है दर इज इनफ क्लैरिटी ना हो कि ये खाली डेवलपमेंट राइट्स रहेंगे और लैंड का कोई वैल्यू गोदरेज प्रॉपर्टीज में नहीं आएगा एंड ऑन वैल्यूएशन सी एल का सेल रिपोर्ट है बट ये एक क्लैरिटी के बाद थोड़ा शायद आज गोदरेज प्रॉपर्टीज प्रेशर में रह सकता है तो ये hmm. तीन स्टॉक्स है गोदरेज इंडस्ट्रीज होल्डिंग कंपनी है एस्टेक लेव जिसमें ओपन ऑफर है और गोदरेज प्रॉपर्टीज जिसमें अभी क्लैरिटी है कि लैंड का कोई वैल्यू गोदरेज प्रॉपर्टीज में आगे चल नहीं आ सकता है hmm. देखिए पांच लिस्टेड कंपनीज उसमें से तीन खास तौर है आप काम हैं निमेश थैंक यू सो मच गोदेज इंडस्ट्रीज का क्विकली एक चार्ट चेक भईती साहब जरा टटोली गोदेज इंडस्ट्रीज का चार्ट बाकी जो एंटिटीज जब खुलेंगी मार्केट कंटिन्यूस सेशन में उतरेगा तब देख लेंगे किस तरह का एक्शन है पर अपफ्रंट गोदेज इंडस्ट्रीज कैसा लग रहा है होल्डिंग काउंटर जी आशीष जी बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है कंटिन्यूसली अक्टूबर से स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन और वापस स्टॉक रिज्यूम कर रहा है ऊपर की तरफ ये ही कंटिन्यूस पैटर्न अक्टूबर से चार्ट पे देखने मिल रहा और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना है लग रहा है वेल पेस्ड है प्लस के लेवल दिखाने के लिए तो खरीदारी की सलाह रहेगी कोई भी डिप में जो स्टॉप स्टॉपलस मेंटेन करना वो नाइन हंड्रेड एंड थर्टी के करीब का कैसे मेंटेन करे थाउजेंड का फर्स्ट टारगेट एंड थाउजेंड ट्वेंटी था। के था। सेकेंड टारगेट के लिए

लेकिन शायद मेरा फोकस ज्यादा गोदरेज प्रॉपर्टीज पे रह सकता है बिकॉज यू नो आई थिंक अगर इस तरह की कोई गिरावट होती है तो एक वो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है बिकॉज आई एम पॉजिटिव ऑन द सेक्टर उसके साथ साथ जो जिस तरह से आपका डिस्कशन चल रहा था कंप्लीटली अग्री विद की जो गोदरेज नाम का एक उनको बेनिफिट मिलता है वो प्रीमियम मिलता है वो गोदरेज प्रॉपर्टी के पास हमेशा रहेगा एंड ओवरऑल जो उनका मॉडल है वो मुझे काफी पसंद है तो मुझे लगता है कि इस क्लैरिटी की वजह से जो कोई वो

और इनफैक्ट एक काम करना जब कोटक की बात छेड़ेगी तो फेडरल भी एक बार टटोल लेना आऊंगा आपके पास हर्षदा क्या अपडेट्स हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आप लोगों ने वैसे डिटेल में डिस्कस कर दिया मैं फटाफट बता दूं कि केवीएस मनियन जो डेप्टी एमडी सीईओ हैं कोटक महिंद्रा बैंक के उन्होंने दरअसल मंगलवार को इस्तीफा दिया अब वो कुछ दूसरे इंटरेस्ट करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर में ही इसीलिए कोटक के लिए थोड़ा सा सेटबैक इनफैक्ट कई सारे ब्रोकरेजेस मान रहे हैं लेकिन यहाँ पर आपकी नजरें फेडरल बैंक पर इसीलिए रहेगी क्योंकि पहले भी अटकले थी शायद के वी एस मनयन कंपनी को हेड करते हुए दिखाई देंगे आज फेडरल के नंबर्स आने वाले हैं दो बजे इनफैक्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें नंबर्स के साथ ये खुलासा होगा या नहीं उस पर नजरें रहेंगी लेकिन ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं कोटक पर इसका क्या इंप्लीकेशन आएगा वो समझना ज्यादा इंटरेस्टिंग है अब कोटक के केस में कई सारे ब्रोकरेजेस ने अपना मत दिया है उसमें ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि यहाँ से कुछ और एग्जिट्स होते हुए दिखाई दे सकते हैं के वी मनियन ही नहीं कुछ और दिग्गज एग्जिट्स होते हुए दिखाई देंगे दूसरी चीज जो आपको जहन में रखनी है कि कई पहले ही एक ओवरहैंग वो क्रेडिट कार्ड वाले मामले का था तो इस इम्पैक्ट और कुछ पॉसिबल एग्जिट्स का भी इम्पैक्ट थोड़ा सा स्टॉक पर रह सकता है नोवामा रिड्यूस का कॉल दे रहा है फिफ्टीन थर्टी टारगेट है जेफरीज होल्ड के कॉल के साथ 1970 का टारगेट दे रहा है ओके okay, कोटक के लिए एक के बाद एक खराब खबरों का सिलसिला कंटिन्यू और सिर्फ दो महीने पहले प्रमोट करके जॉइंट एम बनाए गए मनियन साहब जो वेटरन थे ऑलमोस्ट तीन दशकों से एक कोटक के साथ जुड़े हुए थे अचानक रिजाइन करते हैं और 30 अप्रैल इफेक्टिव इमीडिएट इफेक्ट के साथ रेजिग्नेशन होता है खबरों का बाजार गर्म होता है क्योंकि फेडरल बैंक के करेंट सीओ का टेनियोर सितंबर में खत्म होने वाला है पहले भी अटके लिए थी अब भी एजाम्शन पर है देखते हैं जब सामने आएगा तब सामने आएगा लेकिन

1660 ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 2021 जुलाई जुलाई 2021 से 1660 इस लेवल को कोटक मेंटेन कर रहा था और जैसे ही वो टूटा यहाँ पे देखिए जो शॉर्ट्स है उनकी पोजिशन स्ट्रांग है तो आज मुझे लगता है आशीष जी अगर सुबह में ये 1600 का लेवल टूटेगा तो ये कम से कम जाएगा 15, 1480. तो 14, 18, 1500 सो फोर्टीन एटी तो फोर्टीन एटीन फिफ्टीन हंड्रेड ये टारगेट अनफोल्ड होगा अगर 1600 का लेवल टूटेगा तो सोलह 1600 सो टूटता है फिर पे बनता है। और रचना जी की तो वैसे ही टॉप कॉल थी उनका भी टारगेट प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिएगा तो भाई साहब इसकी पिटाई देखते हैं किस तरह से पॉजिटिव रबॉफ आता है कितनी और तेजी बची है उसके बाद व्यू ले लेंगे एक्सपर्ट से ये हो गई आ, कोटक की और साथ साथ उसके फेडरल बैंक की चर्चा ऑटो सेल्स पे आऊंगा सेठ साहब हमने बहुत बढ़िया तेजी बुनाई है टीवीएस मोटर्स की रह रहे के चैनल पे एक बार उसका चार्ज चेक और एक साथ में दिग्गज मारुति का आप रखना हर्षदा ऑटो सेल्स के नंबर्स